नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का सवाल है क्वेश्चन इज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई आर एम एस दिया हुआ अपने को सिक्स वोल्ट पर मीटर सवाल है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और चार ऑप्शन दे रखे हैं ना बहुत ही सिंपल सवाल है uh, इसको ऐसे देखना है कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आर एम एस वैल्यू है वो दे रखी है सिक्स वोल्ट पर मीटर नाओ ये बात अपने को पता है कि ई आर एम एस डिवाइडेड बाई बी आर एम एस जब भी हम करते हैं उसका रेशो आपका सी का रेशो आता है तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आपका बी आर एम एस जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी ई आर एम एस डिवाइडेड बाय सी आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी ना इसको एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि आपका जो बी नॉट पीक वैल्यू होगा वो होएगा बी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय रूट टू ये आपकी या पीक वैल्यू होगी बिकॉज अपने को ये बात पता है कि आर वैल्यू पीक वैल्यू का बाय रूट टू होता है तो बस ये वैल्यू यहाँ के आपका आंसर आ जाएगा सो ई आर एम एस की जो वैल्यू दे रखी है वो अपनी अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं ई आर एम एस डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय रूट टू नाउ ई आर एम एस की वैल्यू अपने को सिक्स दे रखी है तो दिस विल बी इक्वल टू सिक्स रूट टू डिवाइडेड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय टेन टू द पावर एट विच एम्प्लाइज आपकी बी नॉट की जो पीक वैल्यू है वो आ गई टू रूट टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस एट ये आपका इसका मैग्नीट्यूट आ जाएगा ना इसको अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो uh, तो आपकी रूट टू की वैल्यू आती है वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर वन फोर उसको जब आप ट्वाइस uh, करेंगे तो आपका बी नोट जो हो गया रूट uh, टू right, जो होता है वो होता है वन पॉइंट फोर वन फोर इसको जब आप ट्वाइस करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी टू पॉइंट एट टू एट मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पॉर माइनस एट ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी सो so, इसका क्लोजेस्ट अगर आप आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए टू पॉइंट एट थ्री इन टू टेन टू द पावर माइनस एट टेस्ला वुड बी द राइट आंसर